तो एक हल्की सी बात आपके सामने पढ़ता हूं, इससे और कुछ हो ना हो अपने शरीर के एक महत्वपूर्ण हिस्से में आप एक तरलता जरूर महसूस करेंगे। तो इस लेख का शीर्षक है पानी पूरी एक अधूरी कहानी, और इसमें आप कोई भी गंभीरता ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, ऐसा मैं पूरी गंभीरता से आपसे निवेदन कर रहा हूं। तो पता उसे चला कि उस दिन गूगल के ऊपर पता चला कि आज ये पानीपुरी दिवस है, तो उस दिन ऐसे ही मैंने फेसबुक पर वो लिख दी थी, तो उसको पढ़ता हूं। उस दिन यानी 12 जुलाई को विश्व पानीपुरी दिवस था। ईमान से कहूं तो मुझे इसका जरा भी इल्म नहीं था, वरना सभी चटोरों, पेटुओं, बुक्खड़ों और खवैयों को इस विलक्षण दिवस पर बधाई देने में मैं देर नहीं लगाता। वो तो हुआ यूं कि पिछली बस्ती में रहने वाले जगनमोहन का बेटा छिद्दू 2 दिन मेरी गाड़ी साफ करने नहीं आया। तीसरे दिन उसने बताया कि शहर के एक 3 सितारा होटल में उसके इंडियन कुजिन के मेन्यू में उस खास दिन पर पानीपुरी को शामिल कर दिया गया था। रोज गर्ल्स कॉलेज के सामने खोमचा लगाने वाले उसके पिताजी ने 7 फ्लेवर वाली पानीपुरी का स्टॉल लगाने का मौका वहां हत्या लिया था। अब छिद्दू का असली नाम तो अंशुल था, उसकी मां उसे अंशुल कह के बुलाया करती थी, लेकिन पानीपुरी की पूरियों में आलू भरने के लिए उंगली से छेद करने करके अपने पिता को देने का काम करने के कारण, और वो काम इतनी तेजी, लयकारी और अदाकारी से करने के कारण बस्ती के लोग उसे जगनमोहन कम और छिद्दू के नाम से ज्यादा जानते थे। उसी ने बताया कि वो दो दिन खास इसलिए नहीं आ पाया कि किसी ने उसको विश्व पानीपुरी दिवस घोषित कर दिया था और पिताजी ने कहा कि वहां चलना है। अब यह जानकर मेरा भी सीना 56 इंच का हो उठा कि हमारी पानीपुरी भी अब लोकल से बढ़कर ग्लोबल हो गई है। जनाब, यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यह उन सभी स्वादाभिलाषियों यानी कि चटोरों की जिद, जीवट और जिजीविषा का परिणाम है जिन्होंने अपने हाजमे और अपनी हाजत की परवाह किए बगैर पानीपुरी के प्रति अपने जुनून को हमेशा जिंदा रखा और इसे इस मुकाम तक पहुंचाया। इसलिए उन सभी पानीपुरी प्रेमियों को शुभकामनाएं जो निरंतर बिना गिने पानीपुरी को पूरी उदारता से उदरस्थ करते रहते हैं। हींग के पानी से ठसका लगे तो इमली के पानी से ठसके के दांत खट्टे करते रहते हैं, पर किसी भी हालत में भी मैदान नहीं छोड़ते। खट्टे दांतों की सिहरन को पुदीने के पानी से दूर करना आयुर्वेद सम्मत है या नहीं, इस बहस में वे नहीं उलझते। इससे पहले कि खट्टे दांत उनका हौसला पस्त करने लगे, वे पुदीने के पानी से भरी एक बड़ी सी पूरी का गोला बरसाकर खट्टा सुर को धराशायी कर देते हैं। पुदीने का पानी आयुर्वेद के निष्कर्ष के अनुरूप पेट की जलन को ठंडक पहुंचा ही रहा होता है कि इसी बीच जीरे और कच्चे आम वाली पूरी इठलाती हुई आती है और बड़ी ही नजाकत से उनके मुखारविंद में प्रविष्ट हो जाती है। ऐसे में पानीपुरी लवर्स के परितृप्त चेहरे जिस आनंदानुभूति को अभिव्यक्त करते हैं वो वर्णनातीत है। मेरी गुजारिश है कि पानीपुरी को ऐसा वैसा न समझा जाए, यह बड़ी महिमावान है, यह सर्वत्र और सर्वसुलभ है, सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी, यह समाजवादियों से भी ज्यादा पक्की समाजवादी है, यह बहुरूपी, बहुआयामी और बहुनामधारी है। कढ़ाई में फूल गई तो फुलकी है, नहीं फूली तो पापड़ी है। इसके बावजूद इसका मूलभूत तत्व अक्षुण्ण और सर्वत्र समान है। ये जहां भी गई अपना स्वत्व साथ लेकर के गई, कहीं ये पताशा है, कहीं फुचके, कहीं पुचका तो कहीं फुलकी, कहीं गोलगप्पा तो कहीं गुपचुप। वैसे गुपचुप नाम पर मेरी विनम्र सहमति है, इसकी तासीर से ये नाम मेल नहीं खाता। इसे खाने के साथ भी और खाने के बाद भी कुछ भी गुपचुप नहीं रह सकता। यह स्वभावतः सामाजिक और सार्वजनिक व्यंजन है। फुलकी एक ऐसा व्यंजन है
जो स्वर को भी उत्प्रेरित करता है। ये मानव के नश्वर शरीर में यातायात की समस्या के निदान के लिए मार्गावरोध दूर करता है। इसके सेवन से पदार्थ की तीनों अवस्थाएं मानव शरीर में गति और ऊर्जा को प्राप्त करती हैं, जिसकी उसे आगम से लेकर निर्गम तक यथासमय और यथास्थान अनुभूति होती रहती है। इसके भोक्ता को यह अनुभूति हमेशा सचेत और सजग बनाए रखती है। परोपकार की भावना के वशीभूत होकर कभी कभी इसका भोक्ता अपनी इस दिव्य अनुभूति की अदृश्य अभिव्यक्ति करता है, जिससे उसके आसपास के लोगों को भी इसकी अनुभूति हो जाती है। यानी पानीपुरी अपने भक्तों में सर्वेपि सुखिनः सन्तु की सर्व कल्याणकारी भावना को भी जगाए रखती है। इसकी कई विशेषताएं हैं। ये पंथ निरपेक्ष, आयु निरपेक्ष और लिंग निरपेक्ष व्यंजन है। लगभग पूरी तरह कैलोरी मुक्त होने के कारण ये खास तौर से आगत यौवनाओं से लेकर विगत यौवनाओं तक सबकी प्रिय है। इसका प्रेम उम्र की सीमा और सामाजिक बंधनों से मुक्त है। शादी के रिसेप्शन में या चाट की दुकानों में जब तक इसका पात्र हाथों में नहीं आ जाता, तब तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने का संस्कार प्रदान करना इसकी अतिरिक्त विशेषता है। इसे खाना इसे बनाने से अधिक कौशल की मांग करता है। इसे खाना एक कला है, एक कर्तव्य है, एक कार्रवाई है। अपने वस्त्रों को इसके प्रेम से बचाना एक विशिष्ट अभ्यास और कौशल की मांग करता है। चूंकि कर्म का कौशल ही योग है, इसलिए इसमें योग भी है और अध्यात्म भी, लय भी है और संतुलन भी। अद्वैत अध्यात्म का एक आधारभूत सिद्धांत है। पानीपुरी खिलाने वाले और खाने वाले में क्रमशः बढ़ता अद्वैत, बनाने खिलाने खाने और खिलखिलाने की इस पूरी प्रक्रिया को एक आध्यात्मिक आयाम प्रदान करता है। मटके में डुबाकर इसे चटपटे पानी से भरने और चपलता से भोक्ता के मुखारविंद में प्रविष्ट करवा देने तक की प्रक्रिया लय और संतुलन की लाजवाब मिसाल है। चमत्कारिक बात तो यह है कि चौपालों, चबूतरों और चौराहों की चिल्लपों के बीच भी ये संतुलन कभी बिगड़ता नहीं, लय कभी टूटती नहीं और इसकी चाह कभी मिटती नहीं। इसीलिए पानीपुरी सर्वत्र है, सर्वार्थ है, सर्वप्रिय है, सर्वसुलभ है। कितनी भी कही जाए, इसकी कहानी हमेशा अधूरी रहेगी। इसकी महिमा अपरंपार है और इसकी कथा अनंत। इसलिए इसकी कहानी को यहीं छोड़िए और खोमचे की ओर बढ़िए। छिद्दू वहाँ इंतज़ार में है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।